आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के अध्याय में हम वायुमंडल का संगठन के बारे में बात कर चुके हैं और इसी अध्याय का हम अगला हिस्सा आज के वीडियो में देखेंगे। तो वायुमंडल में हम चर्चा करेंगे वायुमंडल की संरचना, उसमें हम देखेंगे शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, मौसम एवं जलवायु, तापमान। इन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करते हुए हमको ये चित्र दिखाई दिया है कि जैसे कि यहाँ जहाँ हम रहते हैं कि वो यह पृथ्वी है, जहाँ आपको दिखाया गया है कि पर्वत, और ये है शोभ मंडल, और इस लाइन तक इसके ऊपर का हिस्सा है समताप मंडल, और बाद में शुरू होता है मध्य मंडल, और उसके ऊपर होता है बाह्य वायुमंडल, और उसके भी ऊपर शुरू होता है बहिर्मंडल, और इन सभी के बीच में भी एक लाइन है, उसको हम बोलते हैं कि जैसे कि मतलब शोभ मंडल के ऊपर शोभ सीमा है, बाद में समताप मंडल शुरू होता है, समताप मंडल के बाद समताप सीमा होती है, समताप सीमा के बाद मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल के बाद मध्य सीमा होती है, और इस तरह से ये अलग अलग लेयर है। तो हम इतने लेयर जैसे मतलब शुभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चलिए एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वायुमंडल की ये परतें आपके सामने दिखाई दे रही है कि कौन सा वायुमंडल किस सिक्वेंस में है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसी प्रकार की आकृति आपको अपने नोटबुक में भी निकालनी पड़ती है। बात करते हैं शोभ मंडल की। तो ये वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि जहां हम रहते हैं यही वो शोभ मंडल है इसी इलाके में, और इसकी औसत ऊंचाई जो होती है कि जमीन से 13 किलोमीटर तक रहती है, और इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा भी इसी वायुमंडल इसी शोभ मंडल में पाए जाते हैं, और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है जैसे कि वर्षा है, कोहरा है, ओला वर्षण है, ये सभी के सभी ये शोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। दूसरा है शोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं समताप मंडल, और ये शोभ मंडल के ऊपर का भाग है, जैसे कि ये शोभ मंडल के ऊपर का भाग है, दूसरा भाग है, और लगभग यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका फैलाव है, और बादलों तथा मौसम संबंधी की जो घटनाएं होती है इससे यह पूरी तरह से मुक्त होता है, और जहाज जो होते हैं हवाई जहाज होते हैं उसके उड़ान के लिए यह आदर्श जगह मानी जाती है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जैसे कि हमने इसके पहले के अध्याय में देख चुके पहले के पार्ट में इसी अध्याय के पहले के पार्ट में देख चुके हैं कि ओजोन गैस की पतली परत होती है, और यही ओजोन गैस की परत जो होती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो सनरेज होते हैं उस सनरेज से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये ओजोन लेयर होता है, ओजोन गैस की परत होती है, वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। तीसरा है मध्य मंडल, जैसे कि हम शोभ मंडल, समताप मंडल और उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये यहाँ पाया जाता है समताप मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है, इसकी विशेषता देखेंगे तो समताप मंडल के ये ऊपर होती है, और इसकी जो इसका जो फैलाव है लगभग 80 किलोमीटर यहाँ से मतलब 80 किलोमीटर तक उसका लगभग की दूरी होती है, और अंतरिक्ष में प्रवेश करने के जैसे मतलब अंतरिक्ष में जो हम प्रवेश करते करने के लिए जो उल्का पिंड है इसी परत में आने पर जल जाती है, तो इसी परत में आने पर यह जल जाती है। तो आप ध्यान में रखें कि जब मध्य मंडल में ही जो उल्का पिंड गिरते हैं ऊपर से तो इस पिंड इस मंडल में आकर जल जाते हैं। मध्य मंडल के ऊपर का हिस्सा जो होता है वो होता है बाह्य वायुमंडल, और इस वायुमंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से भी बढ़ता है, और आयन मंडल इस परत का एक भाग है, जो ये देखिए आयन मंडल मतलब बहिर्मंडल के पहले ही आयन मंडल आता है, और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये बाह्य वायुमंडल, और रेडियो संचार के लिए जो वेव्स होते हैं ये वेव्स इस परत में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, और वास्तव में
पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। मतलब क्या है, जो हमारा सैटेलाइट होते हैं सैटेलाइट के माध्यम से जो हम सिग्नल भेजते हैं वो पृथ्वी पर, तो ये बाह्य वायुमंडल से ही पृथ्वी पर परावर्तित होते हैं या पृथ्वी तक पहुंचते हैं ये सिग्नल। बहिर्मंडल बात करते हैं कि जैसे कि मतलब सबसे ऊपर का हिस्सा, यह सबसे ऊपरी परत है और यह पतली परत है और यह हल्की गैसें होती है। इसके पहले के अध्याय में हमने देखे थे कि कुछ हम भारी गैसें होती है और कुछ हल्की गैसें होती है, जैसे कि मतलब हीलियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, और यही से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ये जैसी हल्की गैसें यहाँ पाई जाती है बहिर्मंडल में। समझने की कोशिश करते हैं कि मौसम और जलवायु में क्या फर्क है। तो मौसम और जलवायु जो होती है कि जैसे देखिए, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो ये छोटे अवधि के लिए, जब छोटे अवधि के लिए पर्यावरण में कुछ परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलेंगे मौसम। वायुमंडल में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको बोलेंगे हम मौसम। और मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। देखिए, जैसे नाटकीय रूप का मतलब क्या होता है कि अभी बरसात चल रही है, थोड़ी देर में बादल आएंगे, थोड़ी देर में धूप निकलेगी, फिर से बादल आ जाएंगे, ऐसा परिवर्तन होता रहता है। और इसीलिए मौसम नाटकीय रूप में दिन प्रतिदिन यहाँ बदलता रहता है। लेकिन दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम जब हम निकालते हैं तो उस स्थान की वह जलवायु बताता है। तो ये मौसम और जलवायु में यह फर्क है कि यह दीर्घकाल के लिए, जलवायु दीर्घकाल के लिए होता है और औसत मौसम का वो प्रमाण होता है। लेकिन जब मौसम की बात करते हैं तो वह घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो ये दोनों में फर्क होता है। जैसे कि मतलब ये जलवायु है, जलवायु शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे कि जल और वायु, जल का अर्थ होता है वर्षा मतलब बारिश, और वायु का मतलब होता है पवन, अर्थात वर्षण व पवन से ही किसी स्थान की जलवायु प्रभावित करती है। और अंग्रेजी में अगर हम बात करेंगे तो इसको क्लाइमेट बोलते हैं। ये क्लाइमेट, ये शब्द लैटिन भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के झुकाव से है। क्लाइमा का मतलब पृथ्वी के झुकाव से, और जलवायु मुख्यतः अक्षांश पृथ्वी के झुकाव पर ही निर्भर करते हैं, कि इसका भी हम अध्ययन आगे के लेसन में कर सकते हैं। जैसे मौसम भी अभी आपको बताया कि जैसे मौसम होता है कि किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं, तापमान, आर्द्रता के अल्पकालिक योग को मौसम कहेंगे। तो छोटा सा अवधि होता है, प्रत्येक घंटे दिन तथा प्रतिदिन की स्थिति को हम मौसम बोलते हैं। तापमान किसको बोलेंगे, जैसे कि हम मौसम देखे हैं, जलवायु देखे हैं, तो तापमान की भी हम बात करते हैं। तो प्रतिदिन जिस तापमान का हम अनुभव करते हैं उसको वायुमंडल का तापमान कहेंगे। जैसे कि मतलब आज कितना टेम्परेचर, आज के दिन का टेम्परेचर कितना है, कल के दिन का कितना टेम्परेचर था, तो इस प्रकार से हम जो गिनते हैं तो उसको हम डिग्री में काउंट करते हैं। जैसे वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को हम क्या बोलेंगे, तापमान बोलेंगे। जो वायु में मौजूद है, जो ताप और शीतलता है, उसके परिमाण को हम बोलेंगे तापमान। और वायुमंडल का तापमान दिन, रात और ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। सही बात है, दिन में गर्मी होती है, रात को इतनी गर्मी नहीं होती है। ऋतु में अगर देखेंगे तो समर में ज़्यादा गर्मी होती है और शीत ऋतु में ठंडी लगती है। तो ये हो गया है कि वायुमंडल में तापमान का दिन, रात और ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। आतपन हम किसे बोलेंगे, जो सूर्यता, तो ये सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। जैसे कि मतलब ये पृथ्वी है और सूरज से रोशनी यहाँ आ जाती है, और जब ये रोशनी या ऊर्जा पृथ्वी पर ही रुक जाती है तो उसको हम बोलते हैं आतपन। जनरली हमको धूप काले में यह महसूस होती है। और आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर हम जाएंगे तो घटती जाती है। जैसे कि मतलब ये भूमध्य का इलाका है, लेकिन हम जैसे ही इस उत्तर ध्रुव की या दक्षिण ध्रुव की बढ़ेंगे तो ये आतपन की मात्रा कम कम होती जाती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो बेल्ट नज़र आ रहा है ये भूमध्य रेखा के आसपास का जो पीला नज़र आ रहा है, जो सूरज की ऊर्जा बता रही है। और जैसे जैसे हम यहाँ ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये कम कम नज़र होती है, और इसीलिए इसको नीले कलर में दिखाया गया है। और इसीलिए तापमान उसी प्रकार घट भी जाता है। जैसे मतलब इस प्रदेश में, इस बेल्ट में ज़्यादा तापमान होता है, लेकिन इसमें मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन इलाकों में गर्मी या तापमान कम होता है या घट जाता है। एक क्वेश्चन और भी है कि गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण है। देखिए, जैसे कि मतलब दिन के समय में एसोफेल, और आप देखिए कि शहर और नगरों में फर्क ये होता है कि शहरों में कॉन्क्रीटीकरण ज़्यादा होता है
और गांव में इतना कंक्रीटीकरण नहीं होता है, गांव में कुछ वनस्पति या भी वनस्पति पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, और दिन के समय में ऐसा फेल से बनी जो सड़कें होती है और धातु और कंक्रीट से बने कुछ भवन होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और रात के समय यही भवन यही सड़कें ऊष्मा मुक्त करते हैं और इसीलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन और नगर के भीड़भाड़ वाले जो ऊंचे भवन होते हैं गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि ये जो नगरों के जो इमारतें होती है जो दीवारें होती है वो कंक्रीट की वजह से क्या होता है कि गर्मी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और बाद में क्या होता है कि रात के समय वो कम से गर्मी वातावरण में फैलती है जिससे और दिन में भी और गर्मी और रात में भी गर्मी महसूस होती है। दोस्तों इस प्रकार हम वायुमंडल की संरचना, मौसम, तापमान, जलवायु इन मुद्दों पर चर्चा किए हैं। इसी अध्याय के कुछ और मुद्दे बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में देखते हैं।